हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब लोग मजे मंगे। जो अपना कोयसरा 2040 है, उसमें अभी क्या बारिश का टाइम है तो उसमें मॉइस्चर का पड़ जाता है। अगर आपका जो काफी दिनों से आपने डीपी जो डीपी उसका क्लीन किया नहीं रहता है तो कॉपी लाइट आता है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? तो आपको जो भी आपका मशीन का डीपी है उसको खोल के जो टोनर रहेगा उसको हटा देना है और नया फ्रेश टोनर इंस्टॉल करना है, तो जो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा लाइट कॉपी का। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मशीन का अपन रिपोर्ट निकाल रहे और आपको दिखा दे कि जो प्रिंट है वो कैसा आ रहा है। जो प्रिंट है एकदम लाइट आ रहा है, आप देख पा रहे हैं एकदम पूरा लाइट प्रिंट आया है जो दिखने में, और कस्टमर को कॉपी अपन ऐसा दे नहीं पाते। तो अपन जो इसका डीपी है निकाल के सर्विस करते हैं। ये आप देख रहे हैं टोनर तो बराबर उठा रहे, फिर भी क्या वो जमा हो जाता है वेस्ट का, तो अपन इसको सर्विस करते हैं। सबसे पहले अपन इसका जो कार्ट्रिज है वो साइड में हटा देते हैं। और आपको ये खोलने के लिए आप एक स्क्रू ड्राइवर और एक टेस्टर की जरूरत रहेगी। और आपको जो ये डीपी है उसके अंदर दो स्क्रू लगे हुए रहते हैं, तो आपको दोनों स्क्रू निकालना है। उसके बाद दोनों साइड में रहेगा, लेफ्ट और राइट साइड में दोनों एक स्क्रू है, वो आपको स्क्रू रिमूव करना है। उसके बाद तीन जगह पे नीचे की ओर लॉक रहता है और दो साइड में रहता है, जो पांच जगह पे वो लॉक जैसे रहते हैं, तो आपको स्टेप वाइज एक एक करके उसका लॉक से वो हटा देना है। अगर आपको कोई सर 2040 नया मशीन चाहिए या कोई भी पार्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8799143604 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए आपको ध्यान से खोलना है क्योंकि लॉक टूट ना जाए, नहीं तो वापस वो बराबर से आपका जो डीपी का ढक्कन है वो बराबर बैठ नहीं पाएगा। इसके लिए आपको ध्यान से और आराम से खोलना है। अगर खोलते वक्त आप एक से दो बार पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आप ट्राई करिए एग्जैक्ट इसको कैसे खोलते हैं। और आप देख रहेंगे जो मैंने उसका जो डीपी का ढक्कन है वो तो फाइनली खोलने को आ गया, जो अभी खुल रहे हैं। और आप देखेंगे कि इसके अंदर जो टोनर भरा हुआ है अपन इसको निकाल के नया टोनर इंस्टॉल करेंगे। तो ये टोनर है अपन पूरा निकाल दिया साइड में। तो पूरा इसमें क्या कि टोनर चिटक गया, पूरा जाम हो गया क्योंकि मशीन लेके करीब एक साल हो गया रहेगा, क्योंकि बारिश का मौसम इसके लिए थोड़ा ज़्यादा हो टोनर चिटकने का चांस रहता है। अपन उसको पूरे साइड से गियर घुमा के पूरा टोनर निकाल देना है। उसके बाद अगर आपकी दुकान के ब्लोर रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, ब्लोर से साफ करेंगे। अगर ब्लोर नहीं रहता है तो आपकी कुछ थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा साफ करने में, क्योंकि पूरा अपने एकदम क्लीन करना है। जो अभी फिलहाल में ब्लोर से पूरा इसको साफ कर रहा हूँ, और आप देख रहे हैं जो इसका टोनर है पूरा टोनर उठ रहे हैं। और क्या कि पूरा खोल के अपन सर्विस करेंगे तो थोड़ा बेहतरीन होगा, ताकि प्रिंट भी अच्छा है और फिर आपको बार बार सर्विस करने की जरूरत नहीं है, अपना कॉपी लाइट का जो सॉल्यूशन है परमानेंटली हो जाएगा। अगर आप किसी को ब्लोर वगैरह चाहिए तो मैं व्हाट्सएप में इसके नीचे में वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। और
मेरे पास क्या है, बैग में लेके घूमना पड़े, इसके लिए मेरे पास छोटा ब्लोअर है, इसके लिए क्या कि मेरे को और काफ़ी जगह पे जो सर्विस करना रहता है, इसके लिए मेरे पास छोटा रहता है। नहीं तो बड़ा, अगर बड़ा भी ब्लोअर रहेगा तो भी चलता है, क्योंकि हमारा रेगुलर ही काम हो रहे थे खोलना, मशीन साफ करना, इसके लिए मेरे पास छोटा ब्लोअर है, क्योंकि मेरे को बैग में यहाँ से यहाँ लेके जाने में थोड़ा आसानी रहती है। आप देख रहे हैं पूरा एकदम सर्विस हो रहा है अपना डीपी। पूरा एकदम घुमा के एकदम बिल्कुल ही टोनर नहीं होना चाहिए, वैसे एकदम क्लीन कर देना है, ताकि वापस जो दूसरा टोनर रहेगा उसमें अपने को कुछ प्रॉब्लम ना आए। अभी आप देख पा रहे हैं जो पूरा एयरपोर्ट इसको साफ कर दिया है। चलो इसकी जरूरत नहीं है कचरे में जाने को, अभी जो भी आपका वेस्ट होना है वो आपको कचरे में फेंक देना है। हाँ कचरे का डब्बा कहाँ पर है? कपड़े तो उसके बाद जो अपने पास कपड़ा रहेगा उसके जो उसका ढंकन है वो अपने को साफ कर देना, बाल जो रहेगा थोड़ा बहुत छिटका हुआ रहेगा तो। और आप देखेंगे एकदम पूरा क्लीन हो गया, और टिश्यू पेपर से थोड़ा मैग्नेट को साफ कर देना है। और पहले आप देखेंगे तो पूरा क्या ब्लैक एकदम था, अभी पूरा नया तरह हो गया, और उसके बाद थोड़ा भी टोनर छिटका हुआ रहेगा तो आपको टिश्यू पेपर से उसको साफ कर देना है पूरा। क्योंकि थोड़ा बहुत भी इधर किधर छिटका हुआ रहेगा तो मैग्नेट घुमाते हैं तो मैग्नेट ऊपर आता है टोनर, उसको आपको साफ कर देना है। फिर अपना जो उसका डीपी का ढंकन है वो वापस लगा देना। ये अपन दोनों स्क्रू लगा दिए अभी, बस इतना सा प्रोसेस रहता है पूरा डीपी खोल के साफ करना। नीचे तीन लॉक रहते हैं, एक बार लॉक आपको चेक कर लेना है कि लॉक बराबर लग गया है। उसके बाद जो अपना कार्ट्रिज है वो कार्ट्रिज अपने को बैठा देना है। चलो ये काम हो गया, अभी जो इसका कार्ट्रिज है वो मशीन के अंदर बैठा के मशीन में चेक करते हैं। ये आप देख रहे हैं एकदम फिर नया जैसा डीपी हो गया है। तो जो अपना मशीन है उसमें बैठा देते हैं कोशर 2040 में। और जब भी आप टोनर डालते हैं इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए फिर आपको पता है कि टोनर इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ कौन से टोनर इंस्टॉल का स्टार्ट करना पड़ता है। तो जब ये टोनर इंस्टॉल करने का स्टार्ट रहता है 1087 दो बार करना है, उसके बाद 130 दबा के सेट टोनर करना है, उसके बाद यहाँ पर ऑफ रहेगा उसको ऑन करना है और स्टार्ट दबाना है। स्टार्ट दबाने बाद वापस एक ढंकन खोलना है और वापस उसको लगा देना है। और फिर आप अभी देखेंगे तो डिस्प्ले में दिख के आएगा कि एडिटिंग टोनर, जो टोनर इसमें ऐड हो रहा है मशीन में, कि जब आप पूरा डीपी खोल के साफ करते तो टोनर इंस्टॉलिंग का टाइमिंग लेता है मिनिमम 5 से 10 मिनट का पड़ के चलिए।
वो आने के बाद फिर आपको उसको ऑफ कर देना है। जब आपका ऑन रहे, ऑन किए वो वापस ऑफ कर देना है 10 मिनट बाद, ताकि जो उसके 7 मिनट बाद करेंगे तो भी चलेगा। मिनिमम उसका टाइम आपको कपड़ना है 5 से 7 मिनट, चलने के बाद उसको टोनर को ऑफ कर देना है और फिर आपको रिपोर्ट निकालना है, तो आपका पूरा टोनर जो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद अपन जो रिपोर्ट निकाल है आप देखेंगे तो पहले कैसे कॉपी आ रहा था और अभी क्या आ रहा है। अभी वापस एकदम फ्रेश कॉपी आ रहा है, अच्छी कॉपी आ रही, क्लियरिटी वगैरह। मैं आपको दोनों की कॉपी अभी दिखाता हूँ कि इसमें जो पहले कैसा आ रहा था और अभी क्या आ रहा है। ये आप देखेंगे कि एकदम पूरा लाइट आ रहा था, अभी इसमें देखे रहेंगे नहीं तो कितने बजे 21:48 को अपन ने जो इसका ऐसा प्रिंट आ रहे थे। उसके बाद अपन जो मशीन का डीपी खोला है, खोल के पूरा सर्विस करने के बाद जो कॉपी क्लियरिटी एकदम मस्त कॉपी क्लियरिटी आ रही है। आप दोनों की कॉपी क्लियरिटी भी चेक करते हैं कि पहले कैसा आ रही थी और अब क्या आ रही है। तो इस तरह से रहता है। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।